माह सियाम के दूसरे अशरे के आगाज के साथ ही ईद उल फितर की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं। लेकिन कोटा के बाजारों में अब की बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माल भी है, दुकानदार भी हैं, लेकिन खरीदार नजर नहीं आता। कारोबार ठप होने से दुकानदार भी परेशान है कि वो किराया कैसे अदा करे। हुकूमत को चाहिए तो वहाँ से पीछे से रेटे कपड़े वगैरह जो छेना से आ रहे कपड़े वगैरह इस पे टैक्स कम से कम लगा ले तो हम लोगों को मुनासिब मिलेगा। आवाम की शिकायत बहुत ज़्यादा है, आकर पूछ लेते हैं ये कितने का है, हम जब रेट बताते हैं वो भाग जाते हैं। मसला ये है कि पीछे से माल बहुत महंगा आ रहा है। वीरान बाजारों में फिरते इक्का दुक्का खरीदार भी अशिया के दाम सुनकर परेशान हैं कि वो क्या खरीदें। जो चीज़ पहले 500 में थी अब वो 1000-1200 में मिल रही है और गरीब आदमी क्या करेगा। वो तो रियायत की जाए, इस माह रमजान में कुछ रियायतों का कोई रेट नहीं है, जहाँ जाओ वहाँ रेट बढ़ा हुआ। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने जहाँ आने वाली ईद का मजा किरकिरा कर दिया है, वहीं कारोबार भी तबाही के दहाने पर है। कैमरामैन फतेह शाकिर के साथ मुजीबुल्ला, 24 न्यूज़, क्वेटा।